बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज ये बताने जा रहा हूँ इल्म के कितने अकसाम हैं, वो कौन कौन से हैं। वो ये हैं, अहले इल्म के तीन अकसाम हैं, तीन किस्म हैं। वो ये हैं, पहला वो किस्म, ये अहले इल्म जो अपने जो आलिम अपने इल्म पर अमल करे, उसके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया, इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादहिल उलमा। दूसरे वो आलिम जो इल्म हासिल करके दूसरों को न सिखाए, खुद तो इल्म पढ़कर आया और आलिम बनकर आया, दूसरों को न सिखाता है, दूसरों को तरगीब इल्म का न देता है, अमल का तरगीब न देता है, उसके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया, अल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा। इस आयत मुबारक में ये बताया जा रहा है, वो शख्स छुपाते हैं जो खुदा ताला ने कहा, हमने जो नाजिल किया है हिदायत और दलील। तीसरी अहले इल्म की किस्म ये है जो आलिम खुद अमल न करे, दूसरों को तो सिखाए, खुद अमल न करे, अपने इल्म पर खुद अमल न करे, उसके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया, इन हुआ इल्ला कल अनआम, नहीं है वो मगर जानवर की मिसल। जो आलिम इल्म हासिल करके अमल न करे, दूसरों को तो सिखाए, खुद अमल न करे इल्म पर, उसके बारे में खुदावंद मुताल ने यह फरमाया, वो जानवर की मिसल हैं, वो इंसान कामिल इंसान नहीं हैं। हम किसके कौन से रास्ते पर कौन से आलिम की पैरवी करें, कौन से आलिम के पीछे हम उसकी पैरवी में लगें, जो पहली किस्म मैंने बयान की है, जिसके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया, इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादहिल उलमा, हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हमें हम सबको एहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।